दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किसी घायल व्यक्ति के लिए खून उसकी जान बचा सकता है। थैलीसीमिया जैसे रोग से पीड़ित मरीजों को तो हर दो हफ्ते बाद ही खून की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑपरेशन और अन्य कारणों से भी आपको खून की जरूरत पड़ती है। इसके लिए लगभग सभी शहरों में निजी और चैरिटेबल ब्लड बैंक होते हैं, लेकिन यहाँ खून की तरह सब कुछ शुद्ध नहीं होता। जितनी ज्यादा इमरजेंसी, जितनी ज्यादा दुर्लभ ब्लड ग्रुप, उतना ही महंगा खून। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अब अस्पताल और ब्लड बैंक खून देने के बदले केवल प्रोसेसिंग फीस ही आपसे वसूल सकेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने ज्यादा शुल्क वसूलने की प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की है। इसके लिए अन्य सभी शुल्क खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके लिए DCGI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रक सह लाइसेंस अधिकारियों को पत्र भेजा है। इस पत्र में DCGI ने लिखा है कि यह फैसला इस राय के मद्देनजर लिया गया है कि खून बेचने के लिए नहीं है। औषधि परामर्श समिति की 26 सितंबर 2023 को हुई 62वीं बैठक का जिक्र करते हुए DCGI ने 26 दिसंबर में अपने जो पत्र को लिखा था उसमें कहा कि खून के लिए ज्यादा शुल्क लेने के संबंध में ये सिफारिश की गई है। यहाँ बताया गया है कि खून बिक्री के लिए नहीं है, ये केवल आपूर्ति के लिए है और ब्लड बैंक केवल प्रोसेसिंग फीस लगा सकते हैं। नई गाइडलाइन में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि खून और खून संबंधित अवयवों के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस लगाई जा सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए कितनी फीस का सुझाव दिया गया है। तो इसके मुताबिक खून या खून संबंधित अवयवों के लिए 250 रुपए से लेकर 1550 रुपए ही वसूले जा सकते हैं। DCGI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के दवा नियंत्रकों से कहा है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी ब्लड बैंकों को नए दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दें। अब बताती हूँ कि मौजूदा वक्त में ब्लड के दाम कितने हैं। यहाँ दो तरीके के खून की सप्लाई होती है। पहला है खून के बदले खून, यानी कि अगर आपको खून चाहिए तो आपको उतना ही खून ब्लड बैंक में जमा करना होगा। अगर आप रक्तदान नहीं करते हैं तो इस स्थिति में निजी अस्पतालों द्वारा प्रति यूनिट रक्त की कीमत 3000 रुपए से 8000 रुपए के बीच रखी जाती है। लेकिन अगर संबंधित ब्लड ग्रुप के खून की कमी है या फिर आप दुर्लभ रक्त समूहों की मांग करते हैं जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे मामलों में ये शुल्क और भी ज्यादा हो सकता है।